बेसन के पकोड़े की सब्जी अक्सर सबके घर में बनते ही है, पर बिना तले बेसन और प्याज की पकोड़े की सब्जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने इधर ले लिया है 1 कप बेसन, कोई सा भी बेसन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें दे देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। अब बेसन में अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक घोल बना लेना है। घोल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी होना चाहिए ये बैटर का। बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो हमारा घोल बनके एकदम परफेक्ट रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी। घोलते समय ये अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं। अब इसे ऐसे ही 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबाई में चॉप कर लिया है और इसको हाथों से मसल के इसका जितना पार्ट्स है उसको अलग कर देना है। अभी प्याज में कोई सा भी नमक का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। अभी इसको ऐसे ही साइड करके रख देते हैं। अब एक मिक्सिंग जार में दे देंगे रफली कट किया हुआ 1 टमाटर, 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने पीसेस कर लिया है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, और इसके साथ देंगे 2 हरी मिर्च और 7 से 8 कलियां लहसुन के। अब इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे और पानी देके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। अब कढ़ाई में दे देते हैं 2 टेबलस्पून करीब सरसों तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर दे देंगे 1/2 टेबलस्पून गोटा जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। अब इसमें दे देंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किया हुआ प्याज, प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम में प्याज को कर लेंगे अच्छे से फ्राई। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें लाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन हो जाए उतना दूरी प्याज को पकाना है। और जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तभी इसमें मिला देंगे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वही पेस्ट को इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम में ये मसाला को बहुत ही अच्छे से पका लेना है। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसालों को एक साथ पका लेना है। जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना होने लगे तब तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून करीब नमक, इससे हमारा मसाला बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा। आपके हाथ में अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप नमक मिला के फ्लेम को कर दीजिए लो और इसे ढक ढक के आराम से मसाला को पकने दीजिए। ये प्रोसेस से भी मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है। देखिए आप मसाला में ऑयल रिलीज होने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही को मैंने पहले ही फेंट लिया था और दही मिलाने के बाद गैस का फ्लेम कर देंगे लो। हाई फ्लेम में दही पकाने से दही फट जाता है और इसका गुठलियाँ दिखने लगती है, तो इसीलिए हमेशा याद रखें जब भी आप दही सब्जी में ऐड करें तब फ्लेम हमेशा लो में ही रखना है। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बस थोड़ा सा गरम मसाला। मसाला का कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। मसाला जितना अच्छे से आप पकाएंगे उतना ही खूबसूरत कलर इसमें आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी हम ऐसे ही नॉर्मल वाला पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी को हल्का मैंने गर्म कर लिया है, उसके बाद ही मसाला में ऐड किया है, इससे सब्जी का कलर बरकरार रहता है। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब फ्लेम को रखेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम में इसे ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर हमारा बेसन अच्छे से फूल गई है, अभी इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहे तो विस्कर के मदद से भी फेंट सकते हैं
और हाथों के मदद से भी फेंट सकते हैं। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटना है। फेंटते फेंटते इसका कलर एकदम लाइट सा हो जाएगा। तो अब इसमें मैं हाथ लगा रही हूँ, हाथ तो हाथों से क्या होता है ना, बहुत अच्छे से फेंटा जाता है। तो ऐसे ही एक डायरेक्शन में इसे फेंटना है। बहुत अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर मिलाएंगे चॉप किया हुआ प्याज। बेसन में पहले ही नमक ऐड करके रख दिए थे, इसलिए अभी इसमें कोई भी नमक ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें दे देते हैं फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। आप प्याज और धनिया पत्ता को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ऐसे ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप देखिए हमारा ग्रेवी जो है वो भी उबलने लगा है। जैसे ये उबलने लगे इसके अंदर हम छोड़ देंगे छोटे छोटे पकौड़े बना के बेसन का। बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना है जैसे हम तेल में फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ग्रेवी में देना है। आप ये मत सोचना कि ग्रेवी में देने से ही बेसन बिखर जाएगा, ये एकदम बिखरता नहीं है, परफेक्ट पकौड़े जैसे ये बन जाता है। कुछ देर में ही ये ग्रेवी के ऊपर तैरने लगती है। इसका मतलब हमारा बेसन एकदम परफेक्ट फेंटना हुआ था। तो देखिए सारा पकौड़े जो है वो ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। अब इस सब्जी को एक लीड के मदद से ढक देंगे और लो फ्लेम में 2 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए 2 मिनट हो चुका है, अब इसको ओपन करके देख लेती हूँ। 2 से 3 मिनट में बेसन अच्छे से पक जाती है। जो लोग ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं, ऑयल को अवॉइड करते हैं, वो ये सब्जी बना के आराम से मज़ा ले सकते हैं। अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और सारे धनिया पत्ता को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आने वाला है। आप चाहे तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। एक ही सब्जी खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो आप बना लीजिए ऐसे ही बेसन की सब्जी। आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करके इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कितना परफेक्ट बनी है प्याज और बेसन की सब्जी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ मज़ा ले सकते हैं। एक पकौड़ा को निकाल के मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कैसे बना है। देखिए एकदम परफेक्ट बनी है ये और बहुत सॉफ्ट भी हुई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।